कि मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, वो जिधर जाए जमाना भी उधर हो जाए, वो जिधर जाए जमाना भी उधर उधर हो जाए। और जुल्फ़ को रुख से हटा दे तो कमर शर्माए, जुल्फ को रुख से हटा दे तो कमर शर्माए, मुस्कुरा दे तो अंधेरों में सगर हो जाए, मुस्कुरा दे तो अंधेरों में सगे 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 हो जाए। दीवाना मुस्तफा का जब निकलता है तो जमाना उसके पीछे पीछे चलता है। ये हमारी जिंदगी में अगर ऐसे हालात में भी हमने अपने नबी से मोहब्बत का इजहार अपनी जिंदगियों से नहीं किया तो मैं समझता हूँ शायद इसके अलावा कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा हमारी जिंदगी में। कितने भयानक दौर हैं। सुबह होती है तो शाम की फिक्र लगती है, शाम होती है तो सुबह की फिक्र लगती है, कहीं ऐसा ना हो पता नहीं कौन सा लॉक निकले और कौन सा डाउन लगने वाला है, फिर वापस मुकैद कर दिए जाएंगे, फिर अंदर बंद कर दिए जाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हर इंसान, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर इंसान इस वक्त परेशान है इस मामले के अंदर। लेकिन जब इंसान परेशान होता ना तो अपने पास की सबसे मजबूत जो उसके सपोर्ट वाली चीज़ होती ना उसको टच करता है ना भाई। ऐसा तो नहीं आप भूखे मर रहे हो और तिजोरी के ताले लगा के बैठे हो, ऐसा होता है क्या कि घर में खाने को कुछ नहीं है और जो था सब अंदर रख दो, बोले ताला लगा बंद कर दो? नहीं है, ऐसा कोई नहीं करता है। ऐसा कोई करता है क्या? जवाब दो ना, नहीं करता ना। जितनी बड़ी मुसीबत होगी, अल्लाह ना करे किसी घर में कोई बड़ी तकलीफ आ गई, अल्लाह सबको महफूज व मामून फरमाए, लेकिन अगर कोई बड़ी तकलीफ आ गई, पहले 100 निकालते थे, 1000 निकालने पड़ गए, लेकिन निकालेगा ज़रूर। और 1000 से नहीं लाख वाली आई तो अंदर से लाख भी निकालेगा। और कभी ऐसा होता है कि अपना वाला ख़त्म हो जाता है, दूसरों से मांगना भी पड़ जाता है, लेकिन करता है कि नहीं करता है? जवाब दो ना, करता ना। मतलब जितना ज़्यादा बड़ा सपोर्ट उसका, जहाँ तक उसके हाथ पैर पहुँचते हैं वहाँ तक वो कोशिश करता है कि मैं इस चीज़ को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करूँ अपने सपोर्ट से, अपने सोर्सेज से, अपनी ताकत से। तो हम तो उस ताकत के मानने वाले हैं, उस ताकत के मानने वाले। अल्लाह अकबर, अगर वो चांद की तरफ उंगली का इशारा कर दें तो चांद भी अपने सीने को चाक करके कहता है हुजूर और हुक्म फरमाएं। हजरत सूरज अगर गुरूब हो जाएं और मेरे आका सिर्फ इशारा फरमा दें तो डूबा सूरज भी वापस आकर के आका की बारगाह में हाजिर हो जाता है, हुजूर इरशाद फरमाएं। क्या उनसे बड़ी ताकत वाला भी कोई चाहिए? तो उनसे रिश्ता मजबूत क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं खामी है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी है। हाँ कमी है। एक वजीफ़ा आज बताता हूँ, इंशाल्लाह करेंगे आप लोग, हुजूर से मोहब्बत का वजीफ़ा करेंगे, वादा है, वादा आज आपसे मैं ले रहा हूँ। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत जल्द वापस आऊँगा मैं, किसी ने कहा नहीं है, अपने दिल से कह रहा हूँ वापस आऊँगा और फिर आकर के ऐसी महफिल सजाऊँगा। उस वक्त मैं समझता हूँ इतने लोग तो ज़रूर कहेंगे आप जो बता के गए थे हम उस पर अमल कर रहे हैं। वो वजीफ़ा क्या है? हर नमाज के बाद हुजूर पर बिला नागा 100 मरतबा दुरूद पढ़ना है, बिला नागा। चाहे बड़े से बड़ा काम भी हमारा ख़त्म हो रहा तो हो जाने दो उसको, लेकिन अपनी इस आदत को ख़त्म मत होने देना। हर नमाज के बाद आपको 100 बार ज़ोर से जवाब दो ना। ख़वातीन से मेरी गुजारिश है वो भी यही करेंगे इंशाल्लाह। 100 बार दुरूद, मैं समझता हूँ आपको कोई बड़ा दुरूद नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा बताओ ना, सेकंड लगा एक, 100 सेकंड, मतलब 1.5 मिनट में आप पढ़ सकते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट। यार क्या 5 मिनट की अहमियत है हुजूर के सामने? कोई नहीं है ना।
हर नमाज के बाद 100 मरतबा? जवाब दो ना। पता है दुरूद की तासीर क्या होती है? जब आप इस ज़बान से दुरूद पढ़ोगे तो इससे जितने भी गुनाह हुए हैं ना, अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। जाने अनजाने में गाली गाना, गज़ल, खुराफात, बकवास, माँ बाप की नाफरमानी, जो भी कुछ हुआ होगा, इस दुरूद की बरकत से अल्लाह करीम माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। करेंगे हर नमाज के बाद 100 बार दुरूद शरीफ़। ये तो इसका एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या होगा पता है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजा होगा। क़यामत में हुजूर के करीब कौन नहीं जाना चाहेगा? कितनी बार दुरूद पढ़ेंगे? हर नमाज के बाद 100 मरतबा। दिन में कितनी नमाजें हैं? 5। कितने बार दुरूद हो गया? 500 मरतबा दुरूद आपने पढ़ा। ये वजीफ़ा आज से आप अपनी नस्लों तक मुंतकिल करने का मनसूबा तैयार कर लें कि सिर्फ हम नहीं पढ़ेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगी। मैं दावा, मैं यकीन कामिल से कह सकता हूँ इंशाल्लाह कि आपका ये इलाका दुनिया की हर मुसीबत, आफत, परेशानी से महफूज रहेगा। जहाँ दुरूद पढ़ा जाता है वहाँ मुसीबतें नहीं आती हैं, मुसीबतें खुद अपना रास्ता बदल दिया करती हैं। कि शाह जिसके गातों में गए ज़ुल्फ़िकार नबी।